इसी मौके के ऊपर शिक्षा को जन आंदोलन बनाया जाएगा। एक तरफ अभी जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो स्कूलों की और कॉलेजों की बात करते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज में तो शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा हो रहा है, सरकार लगी हुई है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो केवल सरकार के करने से नहीं होगा। इसके लिए यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की, इसमें तो देश के युवाओं को जोड़ा जा रहा है, देश भर के युवाओं को जोड़ा जा रहा है कि जो बच्चे जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, दसवीं का बच्चा है, बारहवीं का बच्चा है, वो जानना चाहता है कि मैं करियर में क्या क्या कर सकता हूं, उस बच्चे को गाइड करने के लिए हम उन युवाओं को जो अभी पास आउट होके कॉलेज में अपनी नौकरियां कर रहे हैं उनको हम एनरोल करेंगे ताकि वो उनको फोन के ऊपर गाइडेंस दे सकें। तो एक यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम के जरिए शिक्षा को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। दूसरा, इसी मौके पर 75 साल के आजादी के मौके पे योगा को भी एक तरह से हम जन आंदोलन बनाएंगे, योग और ध्यान को। तो इसमें पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह जहां भी 25 लोग 50 लोग मिलकर सरकार को कहते हैं कि हम अपने योगा करना चाहते हैं, हम उनके लिए योगा की फ्री में व्यवस्था सरकार करेगी, उनकी कॉलोनी के अंदर, उनके पार्क के अंदर, जहां 25-50 लोग मिलकर कहेंगे कि हम योगा करना चाहते हैं, हम उनके लिए योगा का इंतजाम। तो योग को भी एक इवेंट के रूप में नहीं, लेकिन इसको एक जिंदगी का हिस्सा, जनता की जिंदगी का हिस्सा बने, वो किया जाएगा।